मुझे प्यार हो रहा है किससे? बटर चिकन से। खा रहे हो मेरा ट्रस्ट इश्यूज यार, क्योंकि यू आर द चीटर। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. On today's video, हम लोग करने वाले हैं गुलाटी का रिव्यू। Yeah, so this is all, जो सारा खाना सब गुलाटी का है। तेरा फेवरेट क्या है गुलाटी में? बटर चिकन और उनका चिकन टिक्का। और मेरा फेवरेट है बटर चिकन, सिर्फ बटर चिकन। मेरा तो चिकन टिक्का बहुत, मतलब मलाई चिकन टिक्का बहुत। तो अब खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हमें अपने ये भी बताना है ऑडियंस को कि हम 3 महीने क्या कर रहे थे जो हमने कुछ पोस्ट नहीं करा। 3 महीने क्या कर रहे थे पहले यार? पोस्ट कैसे कर देंगे जब हम बाहर ही नहीं जा सकते, तो कंटेंट बना ही नहीं सकते। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स पुराना कंटेंट भी तो पोस्ट कर रहे हैं। अरे यार पुराना कंटेंट फिर बोरियत हो जाती है। देख पुराना कंटेंट फिर बोरियत भी तो हो जाती है। ये कौन सा गलौटी कबाब? यम यम। तो मैंने इतने महीने 3 महीने कुकिंग सीखी। हाँ मैंने भी काफ़ी सीख लिया सर मेरे साथ रह रहे के। हाँ काइंड ऑफ मज़ा आ गया है वो गए मान। चिकन टिक्का आफ्टर टेस्ट में मिर्ची है ना। हाँ गुलाटी गुलाटी कर रहा हूँ मैं भी, गुलाटी कबाब में है। तो इतने टाइम हमने क्या क्या सीखा? हमने केक बनाने सीखे बहुत सारे तरीके के, और हमने बहुत सारी कुकिंग सीखी जो मैंने इंस्टाग्राम पे तो बहुत डाला है, अब मैं यूट्यूब पे भी डालना स्टार्ट करूँगी। एक मुझे इतना फनी कमेंट आया, दीदी आपको क्या हो गया 3 महीने से एक्टिव नहीं हो, आपको कोरोना वायरस हो गया क्या? लाइक डूड कभी अच्छा भी सोच लिया करो मेरे लिए। जस्ट लुक एट द बटर नान, यम। मैं नान आई थिंक 3-4 महीने बाद ही खा रहा हूँ यार। हाँ हमने नान नहीं खाए। अच्छा और ये वाला जो सारा खाना है ना, मैंने अपने पर्सनल गोल्स में निकाला, उन्हें रीहीट करा और फिर खाया। आपको भी ऐसे करना है ना? ऑब्वियसली कुछ की तो रिप्लाई ही नहीं दे रहा, खाने में बिजी हो गया यार। सॉर तू भी ना, अबे जब खाने इतना अच्छा हो तो नहीं बोलना चाहिए पागल यार। हम लोग को काम है हमारा बोलना खाते खाते। मुझे प्यार हो रहा है बटर चिकन से, जैसे तुझको बनाया गया मेल्डन। तू अब से 3 महीने पहले ख्वाबों में बस रही थी कहीं बनाए नहीं का, वो हो चुका, वो शहीद हो चुका है। और नान की ना घर पे नान का वो मजा आ रहा है जो रेस्टोरेंट में गर्म गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी खाता, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है हल्की सी, है ना? हाँ थोड़ी वो चुई सी हो जाती है। अब क्या खाऊं? पनीर। वैसे तो मुझे पनीर कोई खास पसंद नहीं, वो भी बटर चिकन खाने तो बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, पर पता नहीं देख इनको, उन्होंने हाफ करके पनीर मैरिनेट करा और फिर उसका बनाया। स्टफिंग रहती है पता पनीर के अंदर। हाँ भाई तो बेस्ट क्या लगा बेटा? चिकन टिक्का। अच्छा मलाई टिक्का। हाँ चिकन मलाई टिक्का। हमारे 300K हो गए इंस्टाग्राम पे, 300,000 आसान भाषा में। ये के और एम का ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। एम भी होएगा जल्दी, डोंट वरी। इंस्टाग्राम पे पहले होगा यूट्यूब पे? इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली। गाइस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो देखो यूट्यूब पर पहले हो जाएगा। डिपेंड करता है या किस पर। इंस्टाग्राम पे हम काफी रेगुलर है ना। आई थिंक अगर तू यूट्यूब पे ज्यादा आएगा तो हमारे यूट्यूब पे जल्दी हो जाएंगे मिलियन। हाँ पीपल लव यू यार। मेरे को तो पनीर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ट्राई कर। नाउ लेट मी ट्राई वन थिंग जो मुझसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी नहीं बनी पूरे लॉकडाउन में। दाल मखनी मुझे चम्मच दियो। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज्यादा मस्त टेक्सचर है ना? मैं तेज़ नहीं हूँ जो चम्मच ले लो, डर रहा है ऐसा। ये हमेशा नहीं करते, बोलते सारा आटा खा ले, और जब मैं खा रही हूँ तो मेरा ट्रस्ट इश्यूज यार, क्योंकि यू आर द चीटर स्पेशली खाने के मामले में। मुझे तो मजा आ गया। मुझे पनीर बहुत अच्छा लगा। बटर चिकन पनीर बटर मसाला वेजिटेरियंस के लिए भाई ये बहुत सही चीज़ है। नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सही चीज़ है। हाँ मतलब वही है, कोई भी खा लो मन बहुत अच्छा। भेदभाव नहीं करना चाहिए।
सौरभ याद है वो दिन? एक सेकंड अबे सौरभ याद है वो दिन जब हम बाहर जाया करते थे? वैसे अभी भी जाते हैं बट नॉट लाइक के खाने का भी कहां जाते हैं यार खाने हां रेस्टोरेंट तो बहुत टाइम और अब हम बाहर खाना जाते हैं मैं लास्ट बार जाने नहीं आई थिंक अब हम जा भी नहीं पाएंगे बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग स्पेशली पर अब वो पनाजी ने क्योर निकाल लिया तुझे पता है न्यूज में आ रहा था फिर मिनिस्ट्री ने बोला कि ये बकवास चीजें मत टेलीकास्ट करो यार पतंजलि के शहद में तो चीनी होती है इतनी बोलता जैसे नेचुरल है हम लोग 3 महीने से यूट्यूब पे नए थे क्या क्या होगा यूट्यूब पे देखा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हो गया वो चिंदी फाइट हुई और कुछ नहीं यार सारे लोग खाली बैठे अभी इस टाइम पे सब अपने अपने भड़ास निकाल रहा था इंटरनेट पे बिकॉज सोशल मीडिया ही एक वो था प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बॉयकॉट कर सकते बॉयकॉट कर सकते थे और अपने मजे ले सकते थे जैसे वो ले सकते व्हाट आर यू सेइंग मैन तुम्हारा खा पी के तुम्हारा सोने का मन हो जाता है ऐसा होता नहीं है जब खूब सारे खाओ स्पेशली छोले भटूरे और उसके बाद एक लस्सी मैं तो ऐसे छोले भटूरे छोले भटूरे और एक लस्सी पिला दो उसके बाद मुझे समझ है ना लोग ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाते हैं मैं भी खाती हूँ बड़े दिनों से नहीं खाए छोले भटूरे ब्रेकफास्ट आइटम गाइस मैं उसकी रेसिपी बनाऊं कमेंट करके डालना बना दूंगी उसकी रेसिपी तेरे को छोले बनाने आते नहीं वैसे आते हैं भाई सीख लूंगी मैं तो छोले भटूरे लोग ब्रेकफास्ट में कैसे खाते हैं क्योंकि खाने में तो नहीं जाती फिर दोबारा खाते हैं कैसे खाते हैं ऐसे खाते हैं ऐसे उठाते हैं भटूरा ऐसे भटूरा तोड़ के वाओ क्या डेमोंस्ट्रेशन दिया छोले समझ के ऐसे तो गाइस कब तक मेरी लेमनेस झेलेगी तू कब तक जब तक मुझे कोई और अच्छा कैमरामैन एडिटर ह्यूमन ट्राइपॉड मैनेजर फाइनेंस हैंडल करने वाला इंसान मेरे टैंट्रम्स करने वाला इंसान ना मिल जाए मेरे टैंट्रम्स झेलने वाला इंसान ओके ना मिल जाए सो गाइस इफ यू थिंक यू कैन डू इट लेट मी नो सेंड इन योर रिज्यूमेस तो टेंडर है कैसे टूट जा रहा है बिल्कुल टच करते ओ हां बहुत ही सॉफ्ट है मैंने अभी खाया बहुत ही बटरी और मस्त तुमने सबसे ज्यादा कौन से रेस्टोरेंट को मिस करा मैंने कौन से रेस्टोरेंट को मिस करा एक तो यमिमचा जो फेवरेट है स्पाइडरमैन अब बस काउंट करके बता रहा हूँ ऐसे काउंट करते हैं सारे वैसे काम करते हैं तो मैंने यमिमचा को मिस करा दूसरा तीसरा अच्छा बता रहा बता सॉरी सॉरी दूसरा आई थिंक और कौन सा और मैं सच इसको याद ही नहीं रेस्टोरेंट्स और कौन कौन से थे दुनिया में बिग चिल मैंने गुलाटी को बड़ा मिस करा ऐसे बट चिकन नान याद आते हैं या गुलाटी कमेंट करो और हमें बताओ करण दो वाली पूरी ऑडियंस बक्का जो है मोर बोलेगी मुझे पूरा भरोसा है जितना उन्होंने प्रमोट करा उसे काट दियो मतलब ऐसे अपने पे ले जाइए ज़ूम ठीक है क्यों मैं ताल लिया गया यार सो गाइस विद दिस इट्स अ रैप अब हम लोग मतलब अब खाएंगे और भी बहुत लोग हैं जो मतलब भूखे बैठे हैं वैसे इस वीडियो पे तो और अब मैंने बहुत खाली चम्मच से मैं अपने थोड़े हाथ यूज करूंगी और सौरभ अपना सिर्फ मुंह यूज करेगा और मुझे वो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनानी है कौन सी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो 100 के बटन वाली यार हां यार प्लीज याद है वो दिन जब हम बाहर जाया करते थे okay.
सौरभ याद है वो दिन? एक सेकंड अबे